Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. और इस लेक्चर से हम पिछले लेक्चर से हमने एक प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है. और इस लेक्चर में हम उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, मतलब उसी के बारे में आगे मजीद पढ़ेंगे. तो एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज टॉपिक इस लेक्चर से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मतलब के पहले हमने देखा है कि सिर्फ हम किसी एक इवेंट के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते आए हैं अभी तक, ठीक है. तो अगर एक से ज्यादा इवेंट्स हों, ठीक है, दोनों की एक साथ हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, दोनों इवेंट्स के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो एक साथ, ठीक है, उसमें हम जो है ये देखते हैं कि एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज वो बन जाता है. तो वो किस तरह से फाइंड की जाएगी, ठीक है, और उसमें क्या क्या केसेस आ सकते हैं कि वो दोनों इवेंट्स किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है, वो चीज़ें भी हमें इनमें देखनी होंगी, ठीक है. तो इसको मैं सबसे पहले तो है रिलेट करूँगा अपने फर्स्ट ईयर की बुक, यानी कि इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर में क्या था, फर्स्ट चैप्टर में था कि हमने वीन डायग्राम्स पढ़ी थी, ठीक है. अगर आपको याद हो, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है तो उसमें आपको याद होगा कि हमने वीन डायग्राम्स पढ़ी थी. उसमें ए यूनियन बी को हमने रिप्रेजेंट किया था वीन डायग्राम से, ठीक है. तो अगर नहीं भी याद तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा उसका जो है ओवरव्यू दे देता हूँ कि लेट्स सपोज ए और बी जो है वो दो सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी दो सेट्स हैं. तो जिस तरह से मैं ये ए सेट बना रहा हूँ, ये ए सेट हो गया, ठीक है, इसी तरह से इसके साथ मैं बी सेट बना देता हूँ, ठीक है. ए और बी के जो मर्जी एलिमेंट्स हैं, दो सेट्स हमने लिए ए और बी सेट, ठीक है. अब ये देखें, इसमें मैं ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा. ए यूनियन बी जो है वो शेडेड रीजन मैं बना देता हूँ, ठीक है, शेड बना देता हूँ. एक तो ए के सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, जिस तरह से मैं सारे ए को शेड कर दिया पैरेलल लाइन से, ठीक है, रेड कलर की लाइन से. और बी को भी, बी भी पूरे को मैं शेड कर दूंगा पैरेलल लाइन से, तो ये भी उसी तरह के शेड बन गया, ठीक है. ए और बी के सब एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में. ए यूनियन बी यही होता है ना कि दोनों के एलिमेंट तरतीब से करके जो है एक इकट्ठे एक ही सेट में लिख देना, ठीक है, वो ए यूनियन बी बन जाता है, यानी कि दो सेट्स का यूनियन बन जाता है. तो जिस तरह से आपको ये शेडेड रीजन नजर आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन इसमें जो है आप अगर देखें, जो गौर करने वाली चीज है वो ये है कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है. इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे या एक दूसरे के अंदर लाई नहीं कर रहे, ठीक है. तो मेन चीज जो देखनी थी वो ये है, ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं और उनका यूनियन इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन या एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो और क्या केस हो सकता है, चलिए मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं. ए सेट ये है, और बी सेट मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेता हूं. बी सेट जो है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है. तो ये रेड कलर में जो मैंने बनाया है वो है बी सेट. अब मैं यहाँ पर शेड्स बनाता हूँ, ठीक है, शेड्स ए और ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है, ए यूनियन बी. तो ए के सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिस तरह के मैं ये लाइंस ब्लू कलर की लाइंस जो हैं उसे शेड्स बना रहा हूँ, ठीक है, शेड कर देता हूँ रीजन को, सारे का सारा वो रीजन आ जाएगा जो ए यूनियन बी में लाई करेगा, ठीक है. सबके सब एलिमेंट्स ए के भी आ जाएंगे उसमें और सबके सब एलिमेंट्स बी के भी आ जाएंगे उसमें. तो ये बन जाता है ए यूनियन बी, ठीक है, जो ब्लू कलर के लाइंस हमने जो है वो शेड कर दी है, ठीक है, जो इस रीजन में, वो सारे का सारा बनता है ए यूनियन बी. लेकिन
ये कौन सा केस है, पहले भी हमने ए यूनियन बी देखा, ठीक है, ये इसमें तो डिसजॉइंट थे, एक दूसरे से अलहदा थे दोनों सेट्स, अब इसमें ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे इफ ए सेट एंड बी सेट, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, यानी कि ऊपर एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं ना ऊपर, तो ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है, तो इस तरह से ए यूनियन बी इस तरह से हम शो करते हैं। अच्छा, एक और जो है केस हो सकता है, और केस क्या बन सकता है, और केस ये बन सकता है कि ए सेट ये मौजूद है, ठीक है, ये है ए सेट, तो बी सेट जो है वो इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, बी सेट जो है वो इसके अंदर लाया कर रहा है, तो अब इसका यूनियन किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका यूनियन भी बिल्कुल सेम उसी तरह से आएगा, ए के सब के सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, जिस तरह से मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ रीजन को, ये सारे के सारे शेडेड रीजन जो ब्लू कलर की लाइन से जो भी शेड हुआ है, पैरेलल है या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल लाइन जो भी हैं, ठीक है, तो किसी एंगल पर लाइन है जो भी है, यानी कि ब्लू कलर की लाइन से जो शेड किया है रीजन वो शो कर रहा है ए यूनियन बी को, और ये कौन सा केस बनता है, ये केस बनता है बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी जो है वो सबसेट है ए का, बी सबसेट ए का कब हो सकता है, जब ए यानी कि बी के सब के सब एलिमेंट जो हैं वो ए में मौजूद हों, ए सेट में मौजूद हों, ठीक है, तो ये है केस बी इज द सबसेट ऑफ ए का, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है आपको अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए, तभी आपको जो है वो समझ आएगा कि एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आगे हम अब अपने टॉपिक के, यानी कि मेन टॉपिक जो हमारा है जिस पे हम फोकस करना चाह रहे हैं वो है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। देखें, अभी तक हम देखते आए हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से शो करते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी हो, लेट सपोज ई जो है वो इवेंट है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये किस चीज को शो करी है, ये शो करी है इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, एन इवेंट ई, जिसका नाम हमने ई रखा है, ई जो है वो एक इवेंट है, उसके ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से शो करते हैं पी ऑफ ई, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो पहले भी हम देख चुके हैं, अगर ए जो है वो एक इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पी ऑफ ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। अब इस केस में इवेंट क्या है, ए है, ठीक है, इसी तरह से एक और हम इवेंट लेते हैं पी ऑफ बी, मैं कह देता हूं, ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट बी, ठीक है, अगर ई इवेंट है तो पी ऑफ ई होगा, प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, अगर ए इवेंट है तो पी ऑफ ए से हम डिनोट करेंगे, ठीक है, और अगर इवेंट का नाम बी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, पी ऑफ बी, एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप अगर देखें ए यूनियन बी अगर कोई है सेट, ठीक है, या कोई भी इवेंट हम उसे गाय लेते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, तो ए यूनियन बी, लेट्स सपोज जो ऊपर हमने डायग्राम्स बनाए, ठीक है, इसमें से कोई एक भी हो सकता है ए यूनियन बी, ठीक है, कोई एक इवेंट है, ठीक है, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, तो इसी तरह से अगर इंटरसेक्शन हो
या चलें इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. अब इस केस में क्या इवेंट है, ए यूनियन बी. ठीक है, ए यूनियन बी इस केस में इवेंट है. और साथ में हम जो है इंटरसेक्शन को भी देख लेते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन भी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, यहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हैं. तो यूनियन का जो है वो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा था, ताकि क्योंकि वो इस पे हम फोकस करना चाह रहे हैं एडिशन पे. ठीक है, अभी इंटरसेक्शन भी साथ में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. ये क्या है, दी प्रोबेबिलिटी, ये किस चीज़ को शो कर रही है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी. इस केस में ए इंटरसेक्शन बी है. ठीक है, अच्छा अब पी ऑफ ए हमने देखा किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमने देखा. ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, किस तरह से देखा जाता है. ठीक है, तो वो चीज़ हमने देखी. बी भी जो है इस केस में भी एक जो है वो इवेंट है बी, तो उसका उसकी प्रोबेबिलिटी, ये भी सेम चीज़ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में. ठीक है, अब हम आते हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी. अब देखें चले मैं लिखता हूँ कि पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके होगी, ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस है. ठीक है, तो अगर तो केस है जी ये वाला डिसजॉइंट वाला, यानी कि दोनों सेट जो है डिसजॉइंट है, एक दूसरे से उनका कोई इस तरह से रिलेशन नहीं है, यानी कि उनके एलिमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो डिसजॉइंट सेट्स हैं. ठीक है, तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी जो है ए यूनियन बी दोनों सेट्स की लिख सकते हैं P ऑफ A, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ठीक है, ये इसकी इक्वल होगी. तो इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ कि when when A एंड B आर disjoint, ये इस केस में हम इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. लेकिन जब ए और बी ओवरलैपिंग होंगे तब क्या होगा. ठीक है, व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग और बी इज द सबसेट ऑफ ए. ठीक है, ये केस भी हमने देखा है ना, दोनों ओवरलैपिंग हो, यानी के ये केस बनेगा, ये ओवरलैपिंग का केस है. ठीक है, ये हो केस या फिर सबसेट वाला केस हो. ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर हो, यानी कि बी के कुछ एलिमेंट्स ए में मौजूद हों, ए के कुछ एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं. ठीक है, और या तो फिर बी के सारे के सारे एलिमेंट्स ए में पहले से मौजूद हों. ठीक है, इसको भी जो है इसको कहते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए. ठीक है, तो एक दूसरे का सबसेट हो या एक दूसरे का सबसेट या सुपरसेट इस तरह से हो. ठीक है, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फिर इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब डिसजॉइंट है, जब डिसजॉइंट है तो हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उनको सम करना पड़ेगा. ठीक है, जिस तरह से ये डिसजॉइंट है तो इसकी मैं अलग से प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, इस इवेंट की मैं अलग से प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा और फिर उनको ऐड कर दूंगा, तो हम कहेंगे ए यूनियन बी, यानी कि दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली. ठीक है, तो अब जब दोनों आपस में ओवरलैपिंग है तो क्या हम जो है वो कर रहे हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हम ऐड कर रहे हैं और उसमें से हम निकाल कर रहे हैं किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी की. यानी कि किस चीज़ की हम निकाल रहे हैं, ये जो आपके पास इंटरसेक्शन बनता है ना,
दोनों सेट्स में या दोनों इवेंट्स में आपके पास जो कॉमन रीजन आता है या कॉमन एलिमेंट्स आते हैं या कोई भी चीज़ कॉमन आती है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में तो देखें, अब इस केस में जो है ओवरलैप हो ही नहीं रहे, उसको हमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। प्रॉबिलिटी ऑफ ए हम फाइंड करते हैं, फिर उसमें प्रॉबिलिटी ऑफ बी जो है ऐड करते हैं। अगर मैं यहां पर भी लिख दूंगी प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इस केस में जीरो है, ठीक है, यानी कि है ही नहीं है इंटरसेक्शन बी, तो ये लिखने का यानी कि फायदा ही नहीं है इंटरसेक्शन बी, इसलिए हम यहां पर नहीं लिखे, लिखा हमने यहां पर, लेकिन नीचे जो है देखें आप इसमें इंटरसेक्शन आ रहा है, इसलिए हमें उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसके इन दोनों के सम में से निकालनी होगी, माइनस करनी होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या है, इस केस में आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और उसमें ऐड करते हैं अलग से प्रोबेबिलिटी जो है बी की निकालते हैं, ठीक है, और उनमें से दोनों का जो इंटरसेक्शन है यानी कि पूरे का पूरा बी सेट आ जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम यानी कि ये तो इंटरसेक्शन बी जो है वो बी सेट ही होगा, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने का, तीनों केसेस के लिए मैंने अलग अलग से बताया है, ठीक है। तो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो अब इसको हम जो है एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तक जो है हमने तो फार्मूलाज देखे ना कि किस तरह से क्या है क्यों इस तरह से हम फाइंड करें, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल हम फाइंड यानी कि सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, लेट सपोज देयर आर 20 चिट्स मार्क्ड, यानी कि 20 चिट्स हैं, ठीक है, और हर एक चिट के ऊपर न्यूमेरिक डिजिट लिखा है 1 से लेकर 20 तक। लेट्स सपोज एक चिट के ऊपर 1 लिखा है, ठीक है, दूसरी चिट के ऊपर 2 लिखा है, तीसरी चिट के ऊपर 3 लिखा है, इसी तरह से सबके सब चिट्स या 20 के ऊपर 20 तक जो है वो काउंटिंग लिखी हुई है। उसके बाद हमने फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ चिट ठीक है। हमने चिट उसमें से पिक करनी है इन 20 चिट्स के अंदर से, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि द नंबर रिटन ऑन विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम इसमें से चिट उठाएं तो वो मल्टीपल ऑफ 4 निकल आए, ठीक है। और इसके साथ साथ का है और मल्टीपल ऑफ 4 और आ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। सिर्फ यहां तक क्वेश्चन नहीं है मल्टीपल ऑफ 4, अब यहां पर और भी आ चुका है, या तो मल्टीपल ऑफ 4 है या फिर मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस तरह से थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दूं कि यहां पर जो है चिट्स पड़ी हुई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये है 20, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मैंने तो तरतीब से लिखी है ना, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद उसमें से चिट एक पिक करेंगे बगैर देखे। तो फिर हमने इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितने चांसेस हैं कि हमारे हाथ में जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आए। यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 इसमें से क्या बनते हैं, एक 4 है, एक 8 है, एक 12 है, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल ऑफ 4 इसमें से कौन सा है, 16 है और 20 है, ये मल्टीपल ऑफ 4 बनते हैं, ठीक है।
और इसके साथ में कहा गया और मल्टीपल ऑफ सेवन, यानी कि सेवन है और 14 जो है वो मल्टीपल ऑफ 7 है, ठीक है। तो इन दोनों की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वही यूनियन वाला केस आ गया, ठीक है। तो हमने अब इसको जो है उसके मुताबिक सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं, एक तो मल्टीपल ऑफ 4 है ना, मल्टीपल ऑफ 4 एक सेट ये बनता है, मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन सा है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 7 भी साथ में हम देख रहे हैं, तो मल्टीपल ऑफ 7 इज इक्वल टू क्या है, 7 है और 14 है। अब इसमें आप देखें कोई, यानी कि इनमें इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी कि आप इन दोनों सेट्स को लिख कर देख सकते हैं, ठीक है, दोनों से के एलिमेंट्स अलग अलग लिख कर देख सकते हैं कि इन दोनों में सेट्स में कोई, यानी कि इन दोनों इवेंट्स में कोई कॉमन आ रहा है एलिमेंट ऐसा, अभी तक इसमें तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है वो जीरो है, मतलब कि ये दोनों हम कह सकते हैं कि ये कौन सा केस है, डिसजॉइंट सेट्स वाला केस है, ठीक है, डिसजॉइंट इवेंट्स वाला केस है। तो डिसजॉइंट में क्या हम किस तरह से जो है वो फाइंड करते हैं ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो किस तरह से फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज अगर ए इवेंट, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं ए कह देता हूँ और इसको मैं बी कह देता हूँ, तो इन दोनों की मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यूनियन की। तो मैं पी ऑफ ए यूनियन बी किस तरह से फाइंड करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस तरह से फाइंड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी। देखें अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इसको भी काउंट कर लें तो हमारे पास n ऑफ b आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट b इज इक्वल टू 2, ठीक है। और सैम्पल स्पेस में कितने हैं, टोटल कितने हैं जी, 1 से लेकर 20 तक हैं, यानी कि 20 हैं, काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो हमारे पास जब n ऑफ s मौजूद है, n ऑफ a मौजूद है, n ऑफ b मौजूद है, तो हम इनकी प्रॉबिलिटीज अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। p ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा, n ऑफ a डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, मतलब कि एन ऑफ ए किसके इक्वल है, एन ऑफ एस, बल्कि ए जो है वो 5 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 5, और एन ऑफ एस जो है वो 20 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा 1/4। ये प्रॉबिलिटी बनती है ए इवेंट की, ठीक है। इसी तरह से हम प्रॉबिलिटी ऑफ बी भी फाइंड कर लेते हैं, बी की प्रॉबिलिटी कितनी है, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, और जो है एन ऑफ एस इज इक्वल टू 20 है, 2/20, यानी कि 1/10 इसकी प्रॉबिलिटी बन रही है। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए, ठीक है। वो इक्वल हो जाएगा प्रॉबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 1/4 प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी, जो कि है 1/10, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर लें, तो ऐड करके आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो है 7/20। तो ये आपके पास जो है दोनों इवेंट्स के यूनियन की प्रॉबर्टी आ चुकी है, क्योंकि हमें जो है एग्जाम्पल में क्या कहा गया था, हमें एग्जाम्पल जो हमने ली है उसमें कहा गया फाइंड द प्रॉबर्टी ऑफ पिकिंग अ चिट, द नंबर रिटन ऑन चिट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 7, दोनों चीजों का एक साथ में पूछा गया है, ठीक है। अलग अलग नहीं पूछा गया कि फाइंड द प्रॉबर्टी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 एंड प्रॉबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, बल्कि हमें कहा गया या तो मल्टीपल ऑफ 4 हो या मल्टीपल ऑफ 7 हो, आपने इन दोनों की प्रॉबर्टी एक साथ में फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमने इसको यूनियन के मेथड से इस तरह से सॉल्व किया। अब अगर जो है ये ओवरलैपिंग सेट्स होते, लेट्स सपोज यहाँ पर जो है इसमें मल्टीपल ऑफ 7 ना होता, कोई और सेट होता जो भी हम उसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है 4 आ रहा होता, लेट्स सपोज यहाँ पर 4 होता, तो हम जो है ए इंटरसेक्शन बी भी इसमें फाइंड करते, ठीक है। फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते, पी ऑफ ए तो हमने फाइंड कर लिया, फिर पी ऑफ बी भी हम फाइंड करते, ठीक है, उसमें ऐड कर देते पी ऑफ बी और उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करते पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी इसमें से पहले फाइंड करना था, ठीक है। इंटरसेक्शन बी इसमें से क्या आ रहा है, वो आ रहा है इज इक्वल टू 4 है, बल्कि 4 ये सेट आ रहा है, ठीक है। और इसका आप कह लें कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 एलिमेंट है, तो 1/20 एन ऑफ एस 20 है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/20 आ जाता है इसका, ठीक है। तो आप इसमें से माइनस कर लेते, ए पी ऑफ ए आपने फाइंड कर लिया, पी ऑफ बी आपने फाइंड कर लिया, माइनस
पी ऑफ इंटरसेक्शन बी आपके पास 120 आ गया, तो इसको आप सिंपली जो है ऐड ही करना है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास ओवरलैपिंग की, दो ओवरलैपिंग इवेंट्स की भी प्रॉबिलिटी आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने इस ये टॉपिक पढ़ा है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। अब हम इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि एक्सरसाइज है 7.7। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ।